गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सैपरिक वर्ल्ड में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन आपको भटका देता है, और जब आप मन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलता है। पर आजकल बहुत मुश्किल है मन को अपने हिसाब से चलाना, उसे ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक तो जैसे मन हमें चलाता आया है, हम वैसे ही करते आ रहे हैं। पर जब ये बीमारी बन जाता है, सारा दिन माइंड में थॉट चलते ही रहते हैं, लोगों को टेंशन, एनएक्सटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सब तरह की परेशानियां हो गई है। बड़ों को तो क्या, आजकल स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी स्ट्रेस हो गया है। किसी को पढ़ाई का तो किसी को करियर का, किसी को एग्जाम्स का तो किसी को आने वाले फ्यूचर्स का, बस इन सभी में उनका दिमाग चलते ही रहता है। और इसके कारण सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, मन में शांति नहीं है। अगर आप अपने मन की शांति और सुकून चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इन पांच बातों को आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले बी सेलेक्टिव फॉर व्हाट यू आर लिस्टिंग, वाचिंग एंड रीडिंग। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है, आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो सब उसमें सेव हो जाता है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, पर एक एक शब्द, एक एक दृश्य आपके मन में बहुत गहरा असर डालता है। शुरू कर देते हैं जो आप देखते सुनते हैं। सोशल मीडिया आपको रोज रोज नई नई बातें परोसता है। कल रात लाखों लोग शांति से सोए, ये कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाएगा, पर कल रात एक घर में चोरी हुई, वो बात आपको सबसे पहले पहुंच जाती है। लाखों लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं, ये आपको नहीं बताया जाता है। किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, वो बात आप तक पहुंचाई जाती है। तो सारा दिन निगेटिव बातें देखकर, सुनकर यही सब आपका मन सोचना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो आपका संस्कार, आपका विश्वास बन जाता है। आप अगर रोज रोज सुनते रहोगे कि आजकल सब बेईमान है, तो धीरे धीरे यही आपका विश्वास और आपका संस्कार बन जाएगा। पर अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं और देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बनता है और वही आपका विश्वास भी बनता है। निगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो थॉट आपके मन में डर, बेचैनी, चिंता, अशांति बढ़ाते हैं वो निगेटिव है, और पॉजिटिव थॉट आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं। दूसरी बात, चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कहते हैं अपनी डाइट चेंज करो, अपना खाना बदलो। तो अगर आपका मन बीमार है तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट चेंज करनी होगी, क्योंकि आप सब तरह की भावनाओं का वेलकम करेंगे तो वो आपकी आदत बनती जाएगी। अगर आप जेलसी, एंगर, गुस्सा, बेचैनी, कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर दिन ये आपकी आदत बनते जाएंगे। आप मन को कुछ भी सोचने की आज़ादी नहीं दे सकते, आपके कुछ सेट रूल्स होने चाहिए। लाइफ में मुझे गलत नहीं सोचना है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। मुझे खुद को उन भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी और अशांत करती है। और आप अपना आहार भी बदलें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अगर आप तामसी और रजोगुणी खाना खाते हैं तो आपके मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा, और सात्विक आहार खाते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। आप अपने मन का और शरीर को वही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा हो। तीसरी बातें, मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन काम करती है। आप अपनी सुबह पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्दी बनाएं। सुबह को अच्छी बुक्स पढ़ें, प्रेयर करें, एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे वही विचारों का असर सारा दिन रहेगा। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल हाथ में उठा के ये चेक करने लग जाएंगे
कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, मेरे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है। दुनिया भर की बातों के लिए आपके पास सारा दिन है, पर सुबह सुबह अपने मन में पवित्र विचारों को डालें, जिससे सारा दिन आपका मन शांति और सुकून को अनुभव करेगा। चौथी बात, डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, इसके कई फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, पर इसके आदती ना बने। एक टाइम सेट करें कि इस समय से इस समय तक आप टीवी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं खाना खाने में, पर लोग उस समय भी टीवी मोबाइल नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं मन में अशांति है, कम से कम खाना तो शांति से खाओ भाई। 10 मिनट भी आप शांति करके नहीं बैठते। फिर कहते हैं कि मन बहुत अशांत है, अशांति को आप खुद पैदा कर रहे हो। सोने से 2 घंटे पहले टीवी मोबाइल से खुद को दूर कर दो और अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी किताब को पढ़कर करें, ना कि मोबाइल से आपका दिन शुरू हो। पांचवी बात, मेडिटेशन। आप कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है। नियमित ध्यान करने से आपका मन स्थिर होने लगता है, आपके मन का भटकाव कम होने लगता है और आप खुद को शांत और प्रसन्न महसूस करते हैं। तो ये 5 बातें आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सबसे पहले तो जो आप देखते हैं सुनते हैं तो उसे सोच समझ कर देखें और सुन। दूसरी बात, आप अपनी इमोशनल और फिजिकल डाइट चेंज करें। तीसरी बात, आप अपनी सुबह को खूबसूरत बनाएं। चौथी बात, आप खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का आदती ना बनाएं। पांचवी बात, आप रोज़ 15 मिनट ध्यान जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी आपकी लाइफ को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए 5 बातें। आप अपने लाइफ को सुंदर और सुरक्षित बनाएं, यही हमारी कामना है। जय हिंद दोस्तों।